बीजेपी के विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ ये मानहानि का केस किया था, जिस पर आज उन्हें दोषी करार दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक तरफ दोनों सदनों में राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी लगातार माफी मांगने की मांग कर रही है, अड़ी हुई है। बीजेपी का ये कहना है कि जो विदेशी धरती पर राहुल गांधी भाषण देकर आए हैं, जिसमें लोकतंत्र की मर्यादा को उन्होंने तार तार किया, जिसमें भारत की छवि को उन्होंने धूमिल किया, वो क्यों बार बार ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे देश का अपमान होता है। और अब ऐसे में प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को लेकर, पूरे समूचे मोदी समुदाय को लेकर यह मानहानि का केस किया गया था राहुल गांधी पर, जिस पर उन्हें दोषी करार दिया गया है। सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी के पास अभी विकल्प है, सजा का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन पूरी संभावना यह है कि आज ही हो जाएगा, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पे मौजूद है अंकुर त्यागी, उनके जरिए हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है, जो धाराएं उन पर लगाई गई है उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान का मतलब 504 में आता है और 2 साल की सजा तक की जोगवाई है उसमें। आर्गुमेंट लेवल में किस तरह का आर्गुमेंट दिया गया था आपकी तरफ? उसमें ऐसा है कि वो पूरा समाज झूठ है, झूठ है, उसको टारगेट करके ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था इन द इलेक्शन के कैंपेनिंग में। हाँ। तो वो रिलेटेड बोला कि हमारा पर्टिकुलर वो जो शब्द है उससे हमारे पूरी जाति समूह को नुकसान होता है, समाज को। लेकिन कोर्ट ने क्या सजा दी? वो अभी वो बोला नहीं, इसे ओनली कन्विक्टेड है, अभी उन्होंने आगे बोला नहीं। 504 मेन तो 504 वो अभी बताए। तो आपने सुना जो वकील ने बताया, उनका यह कहना है कि अभी कोर्ट ने सिर्फ उन्हें दोषी करार दिया है और अभी सजा कितनी होगी, क्योंकि 2 साल की सजा का प्रावधान है और इस पर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि उस पर अभी कोर्ट अपनी सजा को लेकर अपना फैसला देगा। और ये पूरी संभावना है कि हो सकता है आज ही सजा का ऐलान भी राहुल गांधी को लेकर हो जाए। अंकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, आपसे थोड़ी देर में हम ये मान के चले कि फिर आज ही सजा का ऐलान राहुल गांधी के खिलाफ हो सकता है दोषी करार दिए जाने के बाद। देखिए, इसी बात का इंतजार हो रहा है, ये माना जा रहा है, लेकिन हालांकि लीगल प्रोसीजर है, मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज ही क्वांटम ऑफ सेंटेंस की बात होगी। एक और यहाँ पे सर, चालू करो रिपोर्ट, अरे चालू तो करो जी, बोलो सर, कितना दोषी ठहरे से राहुल गांधी 504 में? सब यहाँ हिंदी में बात करें। जिग्नेश हिंगू, एडवोकेट सूरत से। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी? बोलो सर, कितना दोषी ठहरे से राहुल गांधी 504 में? सब यहाँ हिंदी में बात करें। जिग्नेश हिंगू, एडवोकेट सूरत से। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पर एज अ लॉयर मैं यहाँ पर हाजिर था, किसी को रिप्रेजेंट? हाँ, मैं पूरी तरह वो जिस उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि जैसे राहुल गांधी जी कोर्ट में आए, तब उन्हें पूछा गया कि यू आर गिल्टी, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस गिल्टी। उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, ये है, तो मैंने ये बोला था, जो भी है इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे की बात मेरे वकील साहब करेंगे, तो राहुल गांधी जी के जो वकील थे उन्होंने बताया कि इसके अगेंस्ट जो भी आप के जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कंप्लेन उनको, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है, तो हो सके उतनी कम सजा सुनाई जाए। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी इज अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और वो संसद में और राज्यसभा में इस देश के कानून बनते हैं, तो अगर जो लोग कानून बनाते हैं वो लोग कानून तोड़ेंगे तो देश में समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा। तो उन्होंने ये कहा प्रोसिक्यूशन के वकील ने कि हो सके उतनी सजा, जितनी मैक्सिमम सजा इसमें है वो मैक्सिमम सजा इन्हें दी जाए और जो भी मैक्सिमम फाइन है वो भी उन्हें फाइन किया जाए और जो कंप्लेनेंट है उसे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। आज ही होने वाला है, दोनों पक्षों की दलीलें अभी खत्म हो गई है, तो उसके बाद अभी कुछ ही देर में आई थिंक ऑनरेबल कट ऑप्शन आगे। हाँ, 2 साल की मैक्सिमम सजा का प्रावधान है। ऑप्शन अभी इफ दे वांटेड टू गो फॉर अपील
अभी अपील के वक्त तक के उनसे जमानत ली जाएगी, फिर ऑनरेबल सेशंस कोर्ट में वो अपील का एक चांस बनता है राहुल गांधी के पास, एक ऑप्शन है अभी उनके पास जमानत में कितने लोगों को रखा एक एक ही अभी वो तो अभी जब पेश हो गए तभी पता चलेगा। राहुल गांधी का भी सुना हो गया, हो गया, हो गया। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, वकील जो कि कोर्ट रूम में मौजूद थे उन्होंने बाहर आकर सब बताया किस तरह से जब राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया और जज ने उनसे कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो राहुल गांधी ने ये कहा कि मैंने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है और मेरा जो संदर्भ था इस बयान का वो यही था, मैं किसी के लिए कोई गलत बात नहीं करना चाहता था। और राहुल गांधी के वकील ने ये दलील रखी है कि इसमें जो शिकायत करता है उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ या किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंची और इसलिए इसका आधार नहीं बनता। लेकिन आपको बता दें जो शिकायत करता है विधायक बीजेपी के, उनके वकील ने यह बात कही कि जो संसद के सदस्य हैं यानी राहुल गांधी, जिस संसद में देश का कानून बनता है और उसी के सदस्य होने के बावजूद अगर वो कानून की ऐसे धज्जियां उड़ाएंगे पब्लिक फोरम में तो फिर आम जनता क्या उम्मीद करेगी, क्या उन्हें ये शोभा देता है। तो ये बात उन्होंने कही। अरविंद सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ वो जुड़े हैं। अरविंद, राहुल गांधी के पास क्या विकल्प है? सवाल मेरा ये है कि क्या सजा के ऐलान के बाद पहले जमानत उनकी अर्जी दी जाएगी, अगर जमानत मिलती है तो फिर वो हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं, समझाइए इस प्रोसेस को पूरा। देखिए अभी कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है और इसके बाद कोर्ट कुछ ही देर बाद जैसा कि उम्मीद है कि इस मामले में सजा का ऐलान करेगी और यह तय करेगी कि आखिर राहुल गांधी को कितनी सजा मुकर्रर की जाती है और उसके बाद ये निर्भर करेगा कि राहुल गांधी को कितनी सजा होती है, इस फैसले को वो उच्ची अदालत में भी चैलेंज कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो राहुल गांधी ने प्लीड गिल्टी से मना कर दिया था, यानी राहुल गांधी ने अपने ऊपर जो आरोप लगे थे उनको स्वीकारने से इनकार कर दिया था। कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत एक ऑप्शन देती है आरोपी को कि अगर वो अपने ऊपर लगे चार्जेज को कबूल करता है तो ऐसी सूरत में अदालत बिना ट्रायल के ही उस मामले में सजा का ऐलान कर देती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ था और राहुल गांधी ने प्लीड गिल्टी से मना किया था और यही वजह है कि राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में ट्रायल चला और उसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। अब इस मामले में सजा की बारी है, राहुल गांधी को अदालत ये तय करेगी कि आखिर कितनी सजा दी जा सकती है, उसके बाद ही जो दूसरी राहत के जो विकल्प हैं उनको राहुल गांधी आजमा सकते हैं जिसमें वो जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं या फिर इस फैसले को ऊंची अदालत में रुख कर सकते हैं।